यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है, और वहीं जगह जगह अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा लगातार अनियमितता और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। खबर अमेठी जनपद के ब्लॉक संग्रामपुर के ग्राम सभा सरैया कानू से, जहां पर ग्रामीण रविंद्र प्रताप सिंह ने ग्राम प्रधान संजू देवी पत्नी बंसल लाल के ऊपर ग्राम सभा में वित्तीय अनियमितता व ग्राम सभा के सरकारी धन का गमन करने का आरोप लगाते हुए खंड विकास अधिकारी संजय गुप्ता को एक शिकायती पत्र दिया। क्या नाम है? रविंद्र प्रताप सिंह। कहाँ घर है अपना? सरैया कुनू। अभी आपके द्वारा वीडियो को एक लिखित शिकायत पत्र दिया, क्या मामला है, किस प्रकार शिकायत की? ग्राम प्रधान सरैया कुनू संजू देवी पत्नी बसंत लाल जी ने सरकारी जो कार्य कराए हैं उनका खुद अपने बचत खाते में पेमेंट लिया जी। मजदूरों को कोई पेमेंट दिया नहीं गया। किन प्रकार, क्या क्या, कौन से पेमेंट है? सामुदायिक शौचालय का है 36,668 रुपए मजदूरी पेमेंट है, उसको उन्होंने अपने बचत खाते में ले लिया जी। टाइलीकरण किया है स्कूल में जी, उसका पेमेंट उन्होंने ले लिया है जी। नाली निर्माण कराया है 22,668 रुपए, उसका भी पेमेंट उन्होंने अपने खाते में ले लिया जी। इसकी शिकायत हम वीडियो साहब से करने आए हैं जी, और पूरा भरोसा है कि शिकायत की जांच होगी और नियमानुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी। आप और कहीं भी शिकायत किए हैं कि नहीं? जिला अधिकारी महोदय को भी मैंने इससे अवगत कराया है। देखिए, हाथों हाथ पत्र दिए हैं या फिर जिला अधिकारी साहब को मैंने रजिस्टर किया है, और SDM साहब को कल मैं मिल के पत्र दिया हूँ, और उन्होंने एक टीम गठित की है, तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब वीडियो साहब की संयुक्त टीम गठित की है, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है आपकी, गलत क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि हमारी शिकायत की, ये प्रधान ने जो इस तरह तानाशाही करके सरकारी पैसे को अपने खाते में लेना शुरू कर दिया है और मजदूरों को एक पैसा पेमेंट नहीं दिया है, ये नियम विरुद्ध है, इसकी जाँच हो, और इसके जाँच के पश्चात जो भी इसमें जांच दोषी नियुक्त होते हैं जी उस पर कार्रवाई प्रदान किया। ठीक।